today once again on my YouTube channel. Today we will discuss about semi-solid dosiform. जैसे कि आपको पता है हमने first lecture में बात की करी थी pharmaceutical dosiform की और फिर उसमें हमने आगे बात further उसकी study की थी, तो उसमें हमने semi-solid dosiform की study करी थी और आज हम study करेंगे semi-solid dosiform की. तो आगे बढ़ने से पहले I request to you please subscribe my channel, share and like and comment. तो आइए बात करते हैं सेमी सॉलिड डोसिसफॉर्म की. तो जैसे कि आपको पता है सेमी सॉलिड का मतलब जैसे हम बात करते हैं कि मतलब ना तो वह पूरी तरह से क्या है सॉलिड है और ना ही पूरी तरह से क्या है लिक्विड है, तो उसे कहते हैं सेमी सॉलिड. जैसे कि आप यूज़ करते हैं जैसे क्रीम यूज़ करते हो, ऑइंटमेंट यूज़ करते हैं, तो क्या होते हैं वो सेमी सॉलिड डोसिसफॉर्म में आते हैं. तो आइए बात करते हैं आज सेमी सॉलिड डोसिसफॉर्म की. तो सबसे पहले देखते हैं कि सेमी सॉलिड डोसिसफॉर्म को दो भाग में कैटेगराइज किया गया है. फर्स्ट होते हैं एक्सटर्नल एंड सेकंड इज इंटरनल. तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सटर्नल की. तो देखते हैं एक्सटर्नल में, एक्सटर्नल को भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है तीन पार्ट में, ऑइंटमेंट, प्लास्टर्स एंड सपोजिटरीज. तो बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम ऑइंटमेंट की. ऑइंटमेंट क्या होते हैं, जैसे कि आप जो कहीं आप कमर में दर्द होता है, पैर में दर्द होता है, तो आप वहाँ पर जो जेल लगाते हो दैट इज़ कॉल्ड ऑइंटमेंट. तो उसे क्या कहते हैं, वो ऑइंटमेंट में आते हैं. फिर बात करते हैं प्लास्टर्स की. प्लास्टर्स में जैसे कि आपका यूज़ करते हो, जैसे आपके कोई बोन ब्रेक हो गई, हड्डी टूट गई, तो उस कंडीशन में जो आप प्लास्टर अप्लाई करते हो, तो क्या उस कंडीशन में जब उसको अप्लाई करते हैं तो क्या होता है वो सेमी सॉलिड डोसिसफॉर्म में सेमी सॉलिड होता है. तो वो क्या होता है प्लास्टर दैट इज कॉल्ड सेमी सॉलिड. नाउ सपोजिटरी मतलब जैसे आपको पता है कि मतलब कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि मतलब जो मतलब जैसे आपने देखा होगा अक्सर कि जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब उनको क्या होते हैं, उनको कभी पोटिस करने में प्रॉब्लम होती है बच्चों को, तो क्या करते हैं उस कंडीशन में जो डॉक्टर होता है वो बच्चों को सपोजिटरी देते हैं. जो क्या करते हैं हम, जिसको हम रेक्टल रूट से एंट्री कराते हैं. तो मतलब सबसे पहले बात करते हैं सपोजिटरी होती क्या है. सपोजिटरी इज़ अ केमिकल सब्सटेंस विच इज़ यूज्ड इन ऑल कैविटी एक्सेप्ट ओरल कैविटी. मतलब कि ऐसी केमिकल सब्सटेंस जिसको हम क्या किसी भी बॉडी के किसी भी कैविटी में इंसर्ट कर सकते हैं एक्सेप्ट ओरल कैविटी, दैट इज कॉल्ड सपोजिटरीज. तो इसका एग्जांपल देखते हैं. जैसे कि आपने देखा होगा कि जो मैंने अभी बताया था आपको कि जैसे बच्चों में जो सपोजिटरी यूज़ करते हैं वो कहाँ से, रेक्टल रूट से यूज़ करते हैं ज़्यादातर. तो उसमें क्या होता है सपोजिटरी मैनी टाइप्स की होती है. आगे हम बात करें, जैसे आपको एक बार थोड़ा ब्रीफ में बता दूँ कि जैसे सपोजिटरी होती है नसल सपोजिटरी होती है, ऑप्थैल्मिक सपोजिटरी होती है, ईयर सपोजिटरी होती है, पैसरीज होती है, रेक्टल सपोजिटरी होती है. तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ सपोजिटरी. तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ऑइंटमेंट फर्दर क्लासिफाइड इन फोर कैटेगरी. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज ओलिजीनियस, वाटर वॉशेबल, एब्जॉर्प्शन एंड इमल्सन. तो सबसे पहले बात करते हैं ओलिगोजीनियस मीन्स मतलब जैसे कि आपने देखा होगा कि मतलब कुछ सैक होते हैं जिनके अंदर क्या होते हैं, जिनके अंदर ऑयल्स होता है तेल होता है मतलब, या ग्रीस होता है, तो उसको कहते हैं ओलिजीनियस. और जैसे कि अब बात करते हैं वॉशेबल मतलब जो धुल सके पानी से, जिसको हम धुल सके. जैसे हमने कोई चीज़ अप्लाई किया है, कोई पेस्ट अप्लाई किया है, कोई जेल अप्लाई किया है और उसको धोना है, मतलब जो क्या पानी से ईजिली धुल जाए, उसको क्या कहते हैं वाटर वॉशेबल. और फिर बात करते हैं एब्जॉर्प्शन. जैसे एब्जॉर्प्शन का आपको पता है कि मतलब सोख लेना. तो मतलब क्या होती है, जैसे आप क्रीम अप्लाई करते हो फेस पे, क्रीम अप्लाई करते हो तो उसको वो क्या करती है, वो क्या होता है, वो हमारी फेस की जो स्किन होती है उसके द्वारा एब्जॉर्ब होती है, मतलब कि एब्जॉर्प्शन. अब बात करते हैं इमल्सन्स की. इमल्सन्स क्या होते हैं, इमल्सन्स जैसे कि आपको पता है इमल्सन्स में दो फेज होते हैं, एक लिक्विड क्या होता है, दोनों फेज ही लिक्विड होते हैं इमल्सन्स में. तो इसमें क्या होता है इमल्सन्स को भी फर्दर क्लासीफाई किया गया है ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल. जैसे कि आप सबसे पहले बात करते हैं ऑयल इन वाटर में क्या होता है, इसमें जो ऑयल होता है वो क्या होता है, वो सोल्यूट होता है, और जो क्या होता है जो वाटर होता है वो क्या होता है, वो सोलवेंट होता है. तो मतलब जैसे कि आपको पता है कि मतलब जो सोलवेंट होता है वो हमेशा लार्ज क्वान्टिटी में होता है, और जो सोल्यूट होता है वो क्या होता है, वो स्मॉल क्वान्टिटी में होता है. तो ऐसे ही सेम जैसे ये हैं, इस तरह से उसका थोड़ा सा उल्टा है, मतलब जैसे बात करते हैं इधर है वाटर एंड ऑयल, मतलब क्या है यहाँ पर जो ऑयल होगा वो सोलवेंट का काम करेगा, और इसके अंदर इस कंडीशन में क्या होगा,
इस कंडीशन में बात करेंगे वाटर, तो वाटर यहाँ पे सोलवेंट का काम करेगा और इधर ऑयल सोलवेंट का काम करेगा। इधर वाटर एज अ सोल्यूट काम करेगा, इधर ऑयल एज अ सोल्यूट काम करेगा। तो फर्दर हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। और अब बात करते हैं इंटरनल की। इंटरनल का मतलब होता है जो हम कहाँ पे जो हम अंदर यूज करते हैं। अंदर मतलब कि जैसे कि हम उसको किसी मतलब बकल कैविटी के थ्रू मतलब ओरल कैविटी के थ्रू उसको अंदर इनसाइड में अंदर के प्रॉब्लम के लिए उसको यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरनल। उसको हम कहते हैं इंटरनल कहते हैं। जैसे दैट इज इंटरनल क्या आते हैं आपके, इंटरनल में आते हैं आपके इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब जैसे कि आप यूज करते हैं च्यवनप्राश यूज करते हैं, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका च्यवनप्राश इसका एक गुड एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोलाइट्स का। जैसे आप कोई दिमागी वगैरह भी लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं, वो आपके कहें इलेक्ट्रोलाइट्स में आएगा। तो गाइस अब बात करते हैं हम लिक्विड्स की। लिक्विड्स जैसे आपको पता है जो लिक्विड्स आप लेते हैं मतलब कि जैसे जो तरल पदार्थ होते हैं, जैसे कि आप सस्पेंशन यूज़ करते हैं, आप कोई तेल यूज़ करते हैं, वो सब क्या आते हैं, वो सब लिक्विड में आते हैं। जैसे आप सिरप यूज़ करते हैं तो सब कहाँ से, वो सब लिक्विड्स में ही आते हैं। तो लिक्विड को भी फर्दर क्लासीफाई किया गया है यहाँ पर दो कैटेगरी में। तो क्या होता है, जैसे कि पहले मोनोफेजिक एंड बायोफेजिक। मोनोफेजिक का मतलब होता है सिंगल फेज में और बायोफेजिक का मतलब होता है डबल फेज में। तो आज इसके बारे में बात करेंगे अब हम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोफेजिक। मोनोफेजिक का मतलब होता है कि मतलब जिसका क्या है, जिसका सिंगल फेज है, मतलब जो क्या है, जो एक सिंगल फेज में हो, मतलब क्या जिसके फेज अलग अलग ना हो। जैसे हमने इसमें अभी इस इमल्शंस में पहले बात की थी हमने कि मतलब जैसे क्या होते हैं कि हमने इमल्शंस पढ़े, तो उसमें इमल्शंस में दो होते हैं, एक लिक्विड होता है, एक क्या होता है, एक ऑयल होता है। तो उसमें क्या, उसमें दो फेज होते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सिर्फ हम क्या यहाँ पे मोनोफेज की बात करें, मतलब क्या उसमें सिंगल फेज होगा। तो जैसे क्या है मोनोफेज है, अब मोनोफेज में क्या होते हैं, मोनोफेज को भी फर्दर क्लासीफाई किया है दो पार्ट में, एक्वस और नॉन एक्वस। अब यहाँ पे एक्वस का मतलब क्या होता है, अब एक्वस का मतलब होता है पानी से, मतलब जैसे कि आपको उसको क्या है कि वाटर, वाटर मोलिक्यूल, तो यानी एक्वस आ गया आपके पास, एक्वस मोलिक्यूल यानी वाटर मोलिक्यूल। तो मतलब क्या कहा इसने, एक्वस में भी फिर एक्वस में भी आगे फर्दर उसको क्या करें, तो डिवाइड किया गया है इंटरनल में, मतलब क्या जो एक्वस फॉर्म की, जैसे क्या है एक्वस मतलब वाटर मॉलिक्यूल को हम क्या करते हैं यूज़ करते हैं किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। जैसे हम सिरप बनाते हैं, सस्पेंशन बनाते हैं, इमल्शंस बनाते हैं, मतलब वाटर तो आपको पता है कि हर जगह यूज होता है। तो मतलब यहाँ पे क्या कहा है, एक्वस फॉर्म में, अब एक्वस फॉर्म मतलब जिसमें क्या हो वाटर का मॉलिक्यूल हो, उसको कहते हैं वाटर मॉलिक्यूल, तो उसमें क्या है एक्वस कहेंगे। तो एक्वस की मतलब जो एक्वस की क्या है इंटरनल प्रिपरेशन है, एक्वस की इंटरनल प्रिपरेशन है, जैसे कि जो अंदर के लिए यूज़ करते हैं। तो उससे जैसे सिरप, जैसे सिरप लेते हैं आप, कप सिरप लेते हैं, जैसे कि आप एलिक्सर्स लेते हैं, एलिक्सर्स का मतलब होता है जो हम क्या करते हैं, जो हमारे क्या होते हैं एलिक्सर्स में जो हमारे मतलब थ्रोट वगैरह में इन्फेक्शन वगैरह होता है उस कंडीशन में यूज़ करते हैं, एलिक्सर्स यूज़ करते हैं। और करते जैसे आप बात है ड्रॉप्स, ड्रॉप जैसे आपको बताएं आप आई में ड्रॉप डालते हैं, कोई आई प्रॉब्लम हो जाती है आपकी आँख में, तो आप ड्रॉप डालते हैं वहाँ पे, तो आँख में डालते हैं, कान में डालते हैं, तो क्या है ड्रॉप्स हो गए। और बात करते हैं नॉन एक्वस की। नॉन एक्वस का मतलब क्या होता है कि जैसे कि जो जिसमें जिसमें वाटर मॉलिक्यूल ना हो, जिसमें वाटर की मात्रा ना हो, तो एक्वस मीन्स वाटर। तो इसने क्या कहा, ये क्या है, ये नॉन एक्वस है, मतलब जिसमें एक्वस की मात्रा नहीं, जिसमें जिसमें वाटर नहीं है। तो मतलब क्या होता है उसको हम जैसे उसमें हम क्या करते हैं, हमें क्या हम कहाँ यूज़ करते हैं, उनको हम यूज़ करते हैं एक्सटर्नली यूज़, उनको हम क्या कहाँ यूज़ करते हैं, उनको हम एक्सटर्नली यूज़ करते हैं। एक्सटर्नली मतलब बॉडी के बाहर पार्ट पर, बाहरी पार्ट पर जो हम लगाते हैं उनको हम एक्सटर्नल यूज में यूज़ करते हैं, जैसे क्रीम्स यूज़ करते हैं, लोशंस यूज़ करते हैं, तो या फिर दैट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल। तो अब बात करते हैं बायोफेजिक। बायोफेजिक का मतलब होता है जिसमें दो फेज होते हैं, जैसे क्या जिसमें दो फेज होते हैं, जैसे कि अभी हमने पीछे मैंने आपको बताया था कि इमल्शंस होते हैं, इमल्शंस दो होते हैं, वाटर इन लिक्विड और लिक्विड इन वाटर। तो उसमें क्या होता है, उसमें दो फेज होते हैं। अब आगे उसके बारे में बात करते हैं, तो बात करते हैं बायोफेजिक की। अब बायोफेजिक में क्या हो, दो पार्ट में डिवाइड किए गए हैं यहाँ पे, इमल्शंस और सस्पेंशन। तो सबसे बात पहले बात करते हैं इमल्शंस की। इमल्शंस का मतलब मैंने जैसे आपको बताया था कि इमल्शन फर्दर दो प्रकार के होते हैं, वाटर इन ऑयल और ऑयल इन वाटर। क्या होते हैं इमल्शंस, दो प्रकार के होते हैं, जैसे ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। तो क्या होगा, इमल्शंस दो होते हैं, जैसे मैंने अभी लास्ट बताया था आपको। तो क्या क्या, तो ये इमल्शंस क्या होते हैं, हम जो प्रिपरेशन बनाएंगे, हम ड्रग लेंगे दुकान से खरीदेंगे, तो क्या सकते हैं वो वाटर इन ऑयल भी हो सकती है और ऑयल इन वाटर भी हो सकती है, क्या इन दोनों में से कोई भी हो सकती है। तो उसको भी फर्दर डिवाइड किया गया है यहाँ पे, तो उसको भी फर्दर चार पार्ट में डिवाइड किया गया है यहाँ पे, ओरल, एक्सटर्नल, पैरेंट्रल एंड ऑप्थेल्मिक।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओरल की। ओरल का मतलब होता है जो हम मुंह के द्वारा लेते हैं, किसी जो भी हम क्या कोई मेडिसिन ले रहे हैं, कोई सिरप ले रहे हैं, कोई एलिक्सर्स ले रहे हैं, क्या से ले रहे हैं, मुंह के थ्रू ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ओरल, मतलब ओरल कैविटी से ले रहे हैं इसको, तो उससे कहेंगे हम ओरल। अब बात करते हैं एक्सटर्नल की। एक्सटर्नल का मतलब जैसे मैंने आपको भी बताया है, तो जो हम बाहर सुपरी फेस मतलब अपर फेस पर यूज़ करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल। फिर बात करते हैं पेरेंटल। पेरेंटल का मतलब क्या होता है, जो हम डायरेक्ट ब्लड में एंट्री कर, जिसके हम जिस प्रोडक्ट के हम डायरेक्ट में ब्लड में एंट्री कर, जैसे आप क्या कोई इंजेक्शंस लेते हैं तो उनको क्या कहते हैं, उनको हम पेरेंटल कहते हैं। इंजेक्शंस जो पेरेंटल, जैसे कि हम डायरेक्ट इंजेक्शन वेन में लेते हैं, सबकुटेनियस में लेते हैं, और आई एम लेते हैं, इंटरमस्कुलर लेते हैं, आई वी लेते हैं, तो क्या होते हैं, वो क्या होंगे, वो सब क्या होंगे, वो पेरेंटल होंगे। अब बात करते हैं ऑप्थैल्मिक। ऑप्थैल्मिक का मतलब होता है जो हम आँख में यूज़ करते हैं, आँख में मतलब जैसे कि हम आँख में यूज़ करते हैं, आपको पता है हम आई ड्रॉप डालते हैं, तो क्या होगा वो ऑप्थैल्मिक, मतलब जो भी ड्रग हम कहाँ यूज़ करते हैं, मेडिसिन यूज करें, आँख में यूज़ करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑप्थैल्मिक प्रिपरेशन। ठीक है, तो अब बात करते हैं सस्पेंशन की। सस्पेंशन क्या होते हैं, सस्पेंशन मतलब जिनमें क्या होते हैं, कुछ जो ड्रग के पार्टिकल हो वो सस्पेंडेड हो, मतलब ये क्या मतलब सस्पेंडेड का मतलब यहाँ से मतलब कुछ ड्रग के पार्टिकल हमें उसमें तैरते हुए दिखाई दे, दैट इज कॉल्ड सस्पेंशन। जैसे कि आपको पता है सस्पेंशन के ऊपर लिखा हुआ होता है कि शेक वेल बिफोर यूज, मतलब क्या क्यों लिखा जाता है, इसीलिए लिखा जाता है क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं, उसके अंदर ड्रग के जो पार्टिकल्स होते हैं वो तैरते रहते हैं, और जैसे हम उसको स्टोर करके रखते हैं तो मतलब जो ड्रग के पार्टिकल होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, तो उसी वजह से उस पर कहते हैं कि मतलब शेक वेल बिफोर यूज, तो इसीलिए क्या ताकि वो आप वो उसमें एक्वस फॉर्म में आ जाए, ताकि वो जब आप उसको डोज ले उसकी तो आपको वो मेडिसिन के अंदर जाए। इसी कंडीशन में क्या सस्पेंस है, मतलब उसमें जो ड्रग के पार्टिकल हो गए वो थोड़े थोड़े सस्पेंडेड होते हैं, मतलब तैरते रहते हैं, तो क्या होते हैं इसको भी इसी प्रकार से इसको भी मतलब सस्पेंशन को भी इसी प्रकार से कैटेगराइज किया गया है। तो हम इसको सेम यहाँ से मैं इसको एरो लगा रहा हूँ, तो मतलब जैसे कि ये भी सेम ही है, इसमें भी सस्पेंशन में भी क्या होते हैं, सस्पेंशन में भी ओरल होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं, पेरेंटल होते हैं और ऑप्थैल्मिक होते हैं। तो गाइस आज के इस टॉपिक पे हमने बात की लिक्विड्स के बारे में, तो आज इस टॉपिक को हम यहीं पे फिनिश करते हैं, और नेक्स्ट टाइम से हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो गाइस अब इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और अगर कुछ इसमें मिस्टेक रह गई तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू गाइस।